हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स मॉडल सेट नंबर 1, जहां पे हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड के लेटेस्ट यानी न्यू पैटर्न पर आधारित टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की इस क्लास में शुरू से लेकर के अंत तक सभी को रहना है और सारे क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्यूशन करना है। जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जो भी एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, तो आप लोग अच्छी तरह से पूरे क्वेश्चन को आप लोग रिविजन कर लेंगे, ठीक है। ये सेट 1 है, इसी तरह आप लोग को मैं लगभग 10 सेट तक प्रोवाइड कर दूंगा। एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग अच्छा करना चाहते हैं कम टाइम पे, तो मॉडल पेपर आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए जितने भी स्टूडेंट आप लोग जुड़े हुए, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसने मग्न शब्द जो है कौन समास है। चलो इसने मग्न शब्द पूछ रखा है, तो बोलेंगे सर इसने मग्न की बात करें तो ये हमारा तत्पुरुष समास है। क्या हो जाएगा जी? तत्पुरुष समास सभी का आंसर ऑप्शन बी की तरफ आना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रखा हम लोग को, विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद पूछ रखा आप लोग को। जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होगा। चलो फटाफट से सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, विक्रम जोर आदित्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होंगे, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो आप लोग जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पे डेली आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेगा टाइम पे, तो सब्सक्राइब की नोटिफिकेशन बेल को आप लोग को ऑन कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा, शुद्ध वाक्य जो है यहाँ पे कौन है, बताओ फटाफट से। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलो सर शुद्ध वाक्य यहाँ पे पता नहीं लग रहा आप लोगों को, साहित्य और जीवन का घोर संबंध, ये एक शुद्ध वाक है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध ये एक शुद्ध वाक है, बाकी अशुद्ध है। क्वेश्चन 4 को देखिए, घोरा, घोरा शब्द कौन संज्ञा है। डेफिनेटली आप लोग बचपन से पढ़े आए होंगे, घोरा जो है यहाँ पे किसी एक जात का बोध होता है, यानी घोरा जाति का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए, जातिवाचक। घोरा क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो गया, जैसे घोरा हो गया, मनुष्य हो गया, पहाड़ हो गया, जितने भी जहाँ पे पूरे जात का बोध हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाति वाचक कहते हैं। जैसे बकरी से पूरा बकरी जात का हो, चाहे वो बकरी काली हो या फिर सफेद हो, जो भी हो, लेकिन उसको बकरिया कहेंगे, ठीक है। उसी तरह ये सब जो है जाति वाचक के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी किसी एक जात। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा हम लोग को, उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद पूछ रखा है। बोलेंगे सर बहुत ईजी क्वेश्चन है, डेफिनेटली आंसर आना चाहिए सभी का, उत्तजोर नायक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। सारे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से देखना है, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं सारे क्वेश्चन को आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा है, नदी शब्द है क्या हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग नदी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा, नदी क्या है? स्त्रीलिंग। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रखा हम लोग को, श्याम ने मिठाई खाई कौन सा कारक है? फटाफट से आंसर कीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? बोलेंगे सर कर्ता कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रखा है, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? चलो बताओ फटाफट से अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा, तो बोल दोगे ना विराग, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन पूछ रखा है यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद, जल्दी से आंसर करो, यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सभी का आंसर आना चाहिए यथा जोर अर्थ। क्या हो जाएगा? यथा जोर अर्थ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, पूछ रखा हम लोग को पदबंध के कितने प्रकार है, चलो जल्दी से आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? तो बोलेंगे सर ऑप्शन डी होगा, 5 प्रकार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सभी का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, पूछ रखा मोर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, बताओ तो फटाफट से। मोर शब्द का पर्यायवाची बता दोगे ना, सरंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करना है, बताओ प्रकाश जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग हो जाएगा? तो बोलेंगे सर हम लोग को पता है प्रकाश पुल्लिंग पर रखा है, ठीक है, पता होना चाहिए सभी को प्रकाश क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, चलो जल्दी से आंसर कीजिए, बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? 3 भेद, याद रहेगा सभी को, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, यहां से चले जाओ ये वाक्य किस प्रकार के हैं, चलो जी फटाफट से आंसर करो, यहां से चले जाओ क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है, तो क्या बोलेंगे सर? आज्ञा बोधक हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? आज्ञा बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है आपने, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, चलो इस मुहावरे का अर्थ क्या है बताओ, तो किस किसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रखा है, यानी जो अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? अपना नुकसान खुद से करना, यानी अपना हानि आप करना,
तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट करेंगे, याद रहेगा ना। तो आप लोग ध्यान से रेगुलर क्लास कीजिए, ठीक है, बिल्कुल आपकी तैयारी यहाँ से अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अपने पैर पे आप लोग कुल्हाड़ी मत मारिए, डेली रेगुलर क्लास कीजिए और तैयारी को बूस्ट कीजिए, अपनी हानि आप करना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रखा है, बालक शब्द में पड़ती है पूछ रखा है, बताओ जी पड़ती है, आप लोग ने सुना रखा है कि जो शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं उसको पड़ती है कहते हैं और पहले जुड़ने वाले को अक्षर कहते हैं, तो बालक में लास्ट में क्या जुड़ रखा है, तो बोलेंगे सर अक जुड़ रखा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन बी, सबको टिक मारेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रखा है, बदनाम शब्द में अक्षर के पहचान है, बता दोगे ना बदनाम शब्द में अक्षर क्या होगा, बोलेंगे बता देंगे, ऑप्शन नंबर डी बद हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी आप लोगों को मैंने बता रखा है कि जो उपसर्ग होते हैं वो शुरू में लगते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रखा है, रात हुई तारे निकले, ये वाक्य किस प्रकार के हैं, बताओ 18 नंबर क्वेश्चन का, रात हुई और तारे निकले, यानी साधारण वाक्य है, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रखा है, महात्मा जो है शब्द कौन सा समास है, बताओ फटाफट से महात्मा शब्द कौन समास है, बोलेंगे सर 19 नंबर क्वेश्चन का तो आंसर नहीं पता, नहीं पता ऑप्शन बी मारो, कर्मधारय समास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलो 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, इसे कौन न स्वीकार करेगा, सर्वनाम किस प्रकार के सर्वनाम है, चलो फटाफट से आंसर करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। देखो इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो इसको प्रश्नवाचक कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसे कौन न स्वीकार करेगा, ठीक है, पूछा जा रहा है प्रश्न, ठीक है। चलो जी, और यहाँ पे जो है सर्वनाम जो है ये इसे है, ठीक है, याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को कि नववधु शब्द कौन समास है, बताओ 21 नंबर क्वेश्चन, बोलेंगे सर नववधु नहीं बता आप लोगों को, याद रखो कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 मैदान शब्द का विलोम नहीं विशेषण पूछ रखा है, बताओ फटाफट से मैदानी, पता है सभी को क्या हो जाएगा, मैदानी ये होगा या ये होगा, ये तो मैदानों है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैदानी, ठीक है, पता है सभी को। चलो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन है। 23 पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो सर पठनीय हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए पूछ रखा है, भला शब्द कौन विशेषण है, बोलो भला शब्द पूछ रखा है, तो भला शब्द हमारा गुणवाचक विशेषण, क्या मारेंगे गुणवाचक विशेषण, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद पूछ रखा है, बताओ फटाफट से 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बोलेंगे सर ऑप्शन ए जाएगा, वीज और आकुल है ना, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 विशेषण शब्द का विलोम पूछ रखा है, बताओ फटाफट से, तो विशेषण ऐसा विशेषण नहीं है विशेष है, बताओ विशेष शब्द का विलोम, तो बोलेंगे सर 26 का आंसर हो जाएगा अविशेष, बिल्कुल अविशेष सभी का आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेट में चूहे कूदना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो पेट में चूहे कूदना मतलब जोर की भूख लगना, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 पूछ रखा है, फैसला शब्द किस प्रकार के, देशज विदेशज तत्सम तद्भव, तो बताएंगे सभी का आंसर आना चाहिए विदेशज, क्या बोलेंगे विदेशज। क्वेश्चन नंबर 29 जिसे भय नहीं है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करना आप लोगों को, बताओ तो क्या करोगे इस्तेमाल, निर्भय है ना, निर्भय, यहाँ पे ऊपर रेव छूट गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा हम लोग को रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 30 पता है सभी को, क्रिया के दो भेद होते हैं, किसके दृष्टि से, तो बोलेंगे सर रचना की दृष्टि से, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रखा है, जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि 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 के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसे क्या कहते हैं, याद रखेंगे क्या कहते हैं, नहीं पता आपको, अव्यय कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अवयव कहते हैं, याद रखेंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, गिरोह शब्द कौन संज्ञा, फटाफट से आंसर करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन का, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर तो ये हो जाएगा समूहवाचक, बिल्कुल ऑप्शन ए सभी का आंसर आना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रखा है, अज्ञान शब्द कौन समास है, बताओ फटाफट से 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बोले सर 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो क्वेश्चन नंबर 34, वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है, सर्वनाम है किस प्रकार सर्वनाम, बताओ 34 नंबर क्वेश्चन का, संबंधवाचक, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है, बताओ 35 नंबर क्वेश्चन का, क्रोध शब्द का पर्यायवाची, तो बोलेंगे सर ऑप्शन सी जगह कोप, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रखा है, संपूर्ण क्रांति किस लेख की रचना है, बताओ फटाफट से, संपूर्ण क्रांति पूछ रखा है, तो बोले सर 36 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रखा है, सिद्र सुधीर घोषी जो है सुधीर घोषी किसे कहते हैं, बताओ सुधीर घोषी किसे कहते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन, तो बोलेंगे सर सुधीर घोषी नाम पहली बार सुन रखा है क्या, बिल्कुल आप लोग पहली बार शायद सुन रहे, यूरोप के काव्य कला प्रवीण
विंध्य मंडली को कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम है बताओ, 38 नंबर। ये तो नहीं पहली बार सुना ना, कीरत सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो जी आगे बढ़ते, क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक क्या है, तो बताएंगे सर। 39 नंबर क्वेश्चन का नहीं पता आप लोगों को, पता होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, वजीरा सिंह। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 40 को देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन लेखक, निम्न में से कौन लेखक आपका थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, तो क्या आंसर करोगे, तो बोलेंगे सर ऑप्शन डी करेंगे, उदय प्रकाश। बिल्कुल ऑप्शन डी सभी का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन 41 को देखिए, उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। चलो जी बताएंगे तो 41 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो सभी का आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे सर, इंडिया टुडे। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 पूछ रखा, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, तो क्या आंसर करोगे, बोलेंगे सर ऑप्शन डी करेंगे, जे कृष्णमूर्ति, सबको पता होना चाहिए, है ना। बिल्कुल। क्वेश्चन 43 पूछ रखा, त्रिज कहानी किस शैली में लिखी है बताओ, तो त्रिज कहानी किस शैली में लिखी गई है, तो बोलेंगे त्रिज कहानी आत्मकथा शैली में लिखी गई है, पता है ना आपको, चलो याद कर लेंगे आत्मकथा शैली। क्वेश्चन नंबर 44, मलयज का मूल नाम, जल्दी से आंसर करो, मलयज का मूल नाम, मलयज का मूल नाम बोलेंगे भारत जी वास्तव, क्या हो जाएगा, भारत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो जी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून में ऑमप्रेट क्या कहते हैं, देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की थी बताओ, तो बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, देख लीजिए ध्यान से, तो यहाँ पे जगह नामवर सिंह ने की थी, किसने की थी, नामवर सिंह। चलो 46 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है, तो पता है सभी को, नहीं पता है वो एक निबंध है, क्या है, नामवर सिंह द्वारा परगीत और समाज जो लिखा गया क्या है, तो बोलेंगे सर निबंध है, ऑप्शन नंबर डी। चलो 47 क्वेश्चन पूछेगा, मोहन राकेश के बचपन का नाम पूछ रखा है बताओ, 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए जगह मदन मोहन गुगलानी, क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए। चलो क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि बालू की डगरी के बीच खोई सी रह गई है धाराएं, जो कभी वनश्री के ढके वक्ष स्थल में किलकिलाती रहती थी, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ की है, तो बोलेंगे सर 48 का आंसर तो हो जाएगा बी ओ सदा नीरा, क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी ओ सदा नीरा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदा नीरा कैसा निबंध है, तो पता है आप लोगों को कैसा निबंध है, नहीं पता है, ललित प्रधान निबंध है, कौन सा निबंध है, ललित प्रधान। चलो क्वेश्चन 50 पूछ रखा है, सूरदास किस भाषा के महान कवि है, तो सूरदास हमारा हो जाएगा ब्रज भाषा, क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे, तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दास विनय और दैन्य भाव के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 52 पूछ रखा है, कवि नाभादास किसके समकालीन थे, तो कवि नाभादास सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा तुलसीदास के समकालीन, क्या बोलेंगे, तुलसीदास के समकालीन। चलो 53 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन है, कवि भूषण के दो प्रिय नायक पूछ रखा है, तो बोलेंगे सर 53 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ना, छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल। क्वेश्चन 54 को देखिए, क्वेश्चन 54 पूछ रखा हम लोग को, काम यानी जयशंकर प्रसाद की कैसी कीर्ति है, कामा यानी जो है जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है, तो बोलेंगे सर 54 नंबर क्वेश्चन का महाकाव्य लगता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 55, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से आंसर करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन का, तो कहाँ बोलेंगे, ऑप्शन ए बोलेंगे, वाराणसी में हुआ था, कहाँ हुआ था, वाराणसी। चलो 56 क्वेश्चन पूछ रखा है, प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है, 56 नंबर क्वेश्चन, तो बोलेंगे प्रतिध्वनि, 56 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, सुमित्रा नंदन मारेंगे ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 57, सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखलाई पड़ती है, वह क्या है बताओ जी, फटाफट से 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तो बोले सर 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो क्या मारेंगे, मारो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 58 पूछा था, युवा कवि के रूप में ज्ञानपति का उदय कब हुआ था, तो युवा कवि के रूप में ज्ञानपति का उदय हुआ था 20वीं सदी के 8वें दशक में, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है, तो बोले सर 59 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन डी जगह, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रखा है, तुलसीदास का विवाह किन से हुआ था,
तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रत्नावली से। क्या बोलेंगे सर? ऑप्शन नंबर ए रत्नावली। क्वेश्चन 61 पूछ रखा है, बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए? 61 नंबर क्वेश्चन। बोले सर ऑप्शन नंबर बी जो होगा संस्कृत। क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो 62 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मांझे के। क्या हो जाएगा? मांझे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो 63 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, जयशंकर प्रसाद नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे? तो बोला सर 63 नंबर क्वेश्चन का तो ऑप्शन सी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिल्कुल सविनय अवज्ञा आंदोलन सभी का आंसर आना चाहिए, याद कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने बताओ? 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी जगह 1924। ईमानदारी से बताइए आप लोग कौन कौन लाइक नहीं किए? सब कोई लाइक कर देंगे, लाइक कर देना, किसी को भी कंजूसी नहीं करना है, ठीक है? सब कोई लाइक और शेयर जरूर करेंगे। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है बताएंगे? 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे सर ऑप्शन डी जगह अर्धनारीश्वर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि मालती के पति का क्या नाम था? बताओ जी, मालती के पति के बारे में पूछ रखा है। तो 66 नंबर क्वेश्चन बोले सर महेश्वर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 67 पूछ रखा है, रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? तो बोले सर 67 नंबर क्वेश्चन का तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ना, मालती के। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः क्या करना चाहिए? तो पूर्णतः मुझे भुला देना चाहिए या याद रखना चाहिए? तो सर याद करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, कर्नाट वंश के राजा थे कौन थे? तो कर्नाट वंश के राजा पूछ रखा है, बोले सर राजा हरि सिंह देव हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बिल्कुल डी करेंगे ना। 70 करा ओसदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? तो बताइए किसने लिखी है? 70 नंबर क्वेश्चन बोले सर देवदास गांधी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या परी है? तो बोलेंगे सर क्या परी है? खास साल चरपाई परी है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन 72 पूछ रखा है, जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु के खाल कहाँ बिक जाते हैं? तो बोलेंगे सर इजी क्वेश्चन हम लोगों ने पर रखा है, मुजफ्फरनगर के चमरा बाजार में, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रखा है, अखरावट किस कवि की रचना है? बोलेंगे सर अखरावट पूछ रखा है तो ये भूषण मारेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 74 पूछ रखा है, कछुक खात कछुक धरनी गिरावत यह पंक्ति किस पर कविता की है? तो बोलेंगे सर इस पंक्ति जो हमारा पद यानी सूरदास की है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 75 पूछ रखा है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 75 का आंसर होगा 1543 को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया था? 76 नंबर क्वेश्चन। तो बोलेंगे सर ऑप्शन सी जाएगा, सत्संग द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 77, किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? तो बोलेंगे सर किनके आचार्य रूप पे? तो हो जाएगा भूषण के आचार्य रूप पे, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 78 पूछ रखा है, जयशंकर प्रसाद ने किस उपागम से ब्रजभाषा में जो है सवैयों की रचना की थी? तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कलाधर, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? कलाधर। 79 पूछ रखा है हम लोग को, स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही है? तो बोलेंगे 79 का ऑप्शन नंबर सी जगह सुभद्रा कुमारी चौहान की। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो बोलेंगे सुकून की तलाश शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 कह रहा है, अधिनायक कैसी कृति है? तो अधिनायक हमारा हो जाएगा बोलेंगे व्यंग कृति है, व्यंग कविता है, ऑप्शन नंबर बी, कृति नहीं है कविता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 82 पूछ रखा हम लोग को, भिन्नसार कविता संग्रह किसकी रचना है? तो भिन्नसार, देखो भिन्नसार कविता संग्रह जो हमारा हो जाएगा वो ज्ञानेंद्रपति की रचना है, किसकी है? ज्ञानेंद्रपति। क्वेश्चन 83 पूछ रखा है, अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन है? चलो बताइए फटाफट से, 83 नंबर क्वेश्चन बोले सर हार जीत हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, किन विधाओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अवदान अप्रतिम है? तो बोलेंगे किन विधाओं में है? तो हमारा हो जाएगा कवि और कथाकार में। क्या हो जाएगा? कवि और कथाकार। क्वेश्चन 85, जहां कहाँ जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमर उनकी पत्नियों का सैलाब उमर पड़ा था? तो बताइए कहाँ जाने वाली सड़क थी? वो थी आपकी गैदरीविल जाने वाली सड़क पर। क्या जाएगा? गोदरविल, है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान बोलेंगे ये कंठ है। क्या है? कंठ। इनमें से शुद्ध शब्द पहचानना है, 87 नंबर क्वेश्चन। ये हो जाएगा योगी, क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द योगी, बार ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इनमें से शुभदेव शब्द पूछ रहा है ना, 87 का क्या होगा? योगी वर होगा करेक्ट, या राजपथ होगा, राजपथ होना चाहिए मेरे ख्याल से। देख लो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर है, दोनों में से कंफ्यूज लग रहा है। 87 का संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा संसार शब्द। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समजोर सार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, दल शब्द कौन संज्ञा है बताओ। 89 नंबर क्वेश्चन का बोलो सर, दल शब्द तो समूहवाचक हो जाएगा ना, दल लगता है, दल मतलब बहुत सारे लोग होते हैं तो समूहवाचक हो जाएगा। रोटी शब्द है, रोटी देखो किसी जात का बोलता है, तो यह हमारा नाउन की बात करें तो जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछ रखा क्या लिंग पूछ रखा है, तो रोटी स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन बी जाएगा अपादान कारक, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है सुगम शब्द में उपसर्ग है, 92 नंबर क्वेश्चन बोले सर ऑप्शन नंबर बी जाएगा सु, ठीक है ऑप्शन बी। क्वेश्चन कह रहा है कि भिक्षुक शब्द में प्रत्यय पहचानना है, तो ये 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे सर ऑप्शन सी जाएगा उक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, राज दरबार जो है शब्द कौन समास है, 94 नंबर क्वेश्चन बोले सर तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस वाक्य का उदाहरण है, 95 नंबर क्वेश्चन बोले सर ऑप्शन बी जगह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछ रखा है आग का पर्यायवाची, तो 96 नंबर क्वेश्चन आग का पर्यायवाची होगा अनल, क्या हो जाएगा अनल। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को आयात शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, 97 नंबर क्वेश्चन आयात का निर्यात हो जाएगा, ऑप्शन डी मार देंगे। कह रहा है जिसके आने की तिथि ना हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे उसके लिए तो शब्द हो जाएगा हमारा अतिथि, क्या हो जाएगा अतिथि, ऑप्शन सी। कह रहा है कि बात तक ना पूछना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी जाएगा निरादर करना, क्या हो जाएगा निरादर करना। लास्ट का 100 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष स्क्रीन पे पूछ रखा है विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो बोलेंगे सर विशेषण के तो 4 भेद होते हैं, ऑप्शन ए टिक करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किया हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। फटाफट से अब तक तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, ठीक है, पूरी तरह से आप लोग को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक बार फिर से रिवीजन कर देना है। बिल्कुल आप लोग को इसी तरह के हम जो है लगभग 10 सेट प्रोवाइड कराएंगे, तो हमें जो है सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। कोई भी आपके अंदर डाउट हो, कोई भी कुछ पूछना हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिए, पूछ सकते हैं, ठीक है, और मैं जो है आपको कोशिश करूंगा कि आप लोग का आंसर दूं, ठीक है। बाकी आप लोग जो भी पीडीएफ नहीं लिए हैं, पीडीएफ के लिए 8210775, ठीक है, 8210775306 ये नंबर पे जो है कॉल करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, है ना, ये नंबर पे कॉल करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए यहीं तक हम लोग क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।